गुड मॉर्निंग क्लास, हमने चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट कर दिया है ना। मैं चैप्टर नंबर 3 में बेटे थोड़ा सा, अभी आपके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो हम अपना थोड़ा सा सिलेबस स्लोली स्लोली करेंगे। एज न्यू स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग, तो हमें उनके साथ भी कॉपरेट करना पड़ेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो प्लीज़, ओके। सो हमने कल अपना चैप्टर जो नंबर 3 पढ़ा था उसमें बेसिकली हमने 3 मेन टर्म्स पढ़ी। नंबर 1, व्हाट यू मीन बाय पॉपुलेशन, व्हाट यू मीन बाय सैंपल, और वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज सेंसस मेथड। ओके, मैं थोड़ा सा रिव्यू देकर आगे बढ़ना चाहूँगी। ओके, सो पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, मैं एक एग्जाम्पल वाइज आपको दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मुझे रेवाड़ी के स्टडी करनी है। सपोज इन रेवाड़ी देयर आर टोटल नंबर ऑफ पीपल, दैट इज 1 लाख पीपल। ओके, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टडी, इनकम, इनकम पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन रेवाड़ी। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम कभी स्टडी बोलती हैं, इन्वेस्टिगेशन बोलती है, इंक्वायरी बोलती है, दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। ठीक है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिस क्या पर्पस है हमारी स्टडी का, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। और कौन करता है ये इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर करता है। अब बच्चे मुझे इनकम पैटर्न ऑफ द पीपल ऑफ रेवाड़ी करना, रेवाड़ी में सपोज कितने लोग हैं, 1 लाख। ये 1 लाख आइटम्स क्या है बच्चे, पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। ओके, पॉपुलेशन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स ऑफ द स्टडी। ठीक है, अगर मैं ईच एंड एवरी 1 लाख आइटम को एक एक करके स्टडी कर रही हूँ और हर एक के पास जा जाके डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो इस मेथड को मैं बोलती हूँ बेटे सेंसस मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं बच्चे, सेंसस मेथड। व्हेन आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी आइटम इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माय स्टडी, इट इज कॉल्ड विच मेथड, सेंसस मेथड। इसका मतलब पॉपुलेशन की हर एक आइटम को मैं कवर कर रही हूँ जिनसे मुझे डेटा चाहिए, जिनको मुझे स्टडी करना है। अगर मैं ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन स्टडी कर रही हूँ और डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, देन दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेंसस मेथड। ओके क्लास, बट बेटे कुछ बहुत डिफिकल्टीज आती है हमें सेंसस मेथड में, हर जगह पर हम सेंसस मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते, जिसको मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो एक और आता है बच्चे, सपोज अब 1 लाख लोगों तक जाना कितना मुश्किल है बेटे, डेटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर मुझे क्विकली डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भाई सेंसस मेथड अडॉप्ट करना मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इनमें से ना मैंने 10,000 लोगों को चुन लिया, हर एरिया में से एवरेज के बेसिस पर मैं कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट कर लूँगी। मतलब 1 लाख को मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ बजट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1 लाख के में से मैंने कितने लोगों को चुन लिया सेपरेटली एज अ सैंपल। अब मैं ना इन लोगों की स्टडी किसके बेसिस पर करूंगी, सैंपल के बेसिस पर करूंगी। ठीक है बच्चे, अगर मैं सैंपल के बेसिस पर कर रही हूँ तो आप खुद ही सोचिए, क्या मैं 1 लाख की 1 लाख आइटम को, सारी आइटम्स को स्टडी कर रही हूँ, नहीं ना। पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स के रूप में आइटम्स मैंने सेलेक्ट करी और पूरा का पूरा उन सैंपल्स को स्टडी करके इस पॉपुलेशन के बारे में कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर दूंगी। इस मेथड को मैं क्या बोलती हूँ बेटे, सैंपल मेथड। ओके,
I hope basic meaning of census method and sample method is clear to each and everyone. Okay class, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन फॉर सेंसस मैथड एंड सैम्पल मैथड. फर्स्ट आई विल बी टेकिंग सेंसस मैथड. यस क्लास, मैंने आपके सामने सेंसस मैथड राइट डाउन करा है, ध्यान से देखिए. सेंसस मैथड बाय डिफॉल्ट क्या है बच्चे, जहाँ पर मैं पॉपुलेशन की हर आइटम को मतलब कवर करती हूँ अंडर माई इन्वेस्टिगेशन. डेटा जो मैं कलेक्ट करती हूँ हर एक आइटम से कलेक्ट करती हूँ, ठीक है, चाहे वो कितने भी हों, उस मैथड को क्या बोलते हैं बेटे, सेंसस मैथड. सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंसस मैथड, द मैथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम कहाँ की, पॉपुलेशन की. अब बेटे पॉपुलेशन का दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्स. ओके, हर एक आइटम ऑफ द यूनिवर्स को आप कवर कर रहे हो रिलेटिंग टू योर स्टडी. आपकी स्टडी में जितनी आइटम से डेटा चाहिए आप हर आइटम से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो इस मैथड को मैं क्या बोलती हूँ बेटे, सेंसस मैथड. ओके, अब मैंने यहाँ पे स्टडी ऑब्लिक इंक्वायरी ऑब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिखा है, ये हम इंटरचेंजेबल टर्म्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं. अब आता है बच्चे कहाँ कहाँ पर ये मैथड सूटेबल होगा. सी एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, ठीक है, जिसका मैं एक आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल कोट करूंगी इन टर्म्स ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट नंबर सूटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड. ओके, अब सूटेबिलिटी कहाँ होगी, आप सोच कर देखिए बेटे, हर पर्सनल ना रैशनैलिटी से अगर सोचे समझे मीनिंग वाइज तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप राइट डाउन कर सकता है. कैसे, मुझे हर एक आइटम मतलब हर एक की को स्टडी करना है अंडर माई इन्वेस्टिगेशन, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉस्ट कंज्यूमिंग है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कंज्यूमिंग है. तो आप खुद बताइए आप किस एरिया में इस मेथड को यूज़ करना चाहोगे या कहाँ पर ये मेथड सूटेबल है, स्मॉल एरिया के लिए या लार्ज एरिया के लिए, सोच कर देखिए बेटे. सो ये मेनली स्मॉल एरिया के लिए, क्योंकि मुझे उस एरिया की हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा किस मेथड के अंदर, सेंसस मेथड के अंदर. तो बेटर है ये मेथड वहीं पर यूज़ करूँ जहाँ पर एरिया ऑफ द पॉपुलेशन क्या हो बेटे, स्मॉल, ठीक है, वाइड ना हो. नंबर वन, इट इज़ सूटेबल इन द स्मॉल साइज ऑफ द पॉपुलेशन, या जहाँ पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो बेटे, स्मॉल, मतलब पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो, वहाँ पर मैं वन टू वन की को वन टू वन आइटम को स्टडी करके डेटा को कलेक्ट कर सकती हूँ. ओके, सेकेंड आता है बच्चे वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन का मीनिंग आपको पता है, आइटम का मीनिंग आपको पता है, ये डाइवर्स क्या है, बिल्कुल डिफरेंट, मैच ही नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल बेटे मेरी कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों की सारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस बिल्कुल अलग है, फैमिली पैटर्न अलग है, इनकम पैटर्न अलग है, वट एवर इट बी, इट मीन्स एक भी पर्सन एक दूसरे से मैच नहीं करता. आप खुद ही सोचिए जब सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्या मैं 5 लोगों को स्टडी करके क्या सारी पॉपुलेशन के बारे में कॉन्क्लूड कर सकती हूँ, मेरी स्टडी का रिजल्ट इनएक्यूरेट होगा उस केस में, ठीक है. जहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट आइटम्स हैं, अगर मेरी स्टडी में बिल्कुल ही डिफरेंट आइटम्स हैं तो मैं उसमें सैम्पल मेथड को यूज़ नहीं कर सकती. उस केस में मुझे हर एक आइटम को अलग से स्टडी करना पड़ेगा अंडर माय इन्वेस्टिगेशन. तो मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा बेटे, सेंसस मेथड, ठीक है. डाइवर्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट. ओके, थर्ड सूटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. आप खुद बताइए बच्चे, आपने खुद से हर एक पॉपुलेशन की आइटम को स्टडी करा है, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी कहाँ मिलेगी, सैंपल में मिलेगी या सेंसस में मिलेगी. ऑब्वियसली अगर जहाँ पर आपने हर आइटम को स्टडी करा होगा उसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, और विश्वास के लायक भी कौन सा मेथड होगा, सेंसस मेथड होगा, बिकॉज इसमें रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सैंपल मेथड. ओके, फोर्थ सूटेबिलिटी क्या है बेटे, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स. आपकी पॉपुलेशन का जितनी आइटम्स हैं उनकी गहरी जांच करनी है,
जहाँ पर गहरी जांच करके डेटा कलेक्ट करना होता है, वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं बेटे? सेंसस मेथड। जैसे फर्स्ट अगर मैं बोलूँ और फोर्थ बोलूँ, तो हम जो मैंने आपको सेंसस ऑफ इंडिया कराया है ना, सेंसस ऑफ इंडिया में क्या होता है, पूरे देश के हर एक घर में जा जाकर लोग मतलब लाइक राइट डाउन करते हैं डेटा को, आपके घर में कितने लोग, कितने एडल्ट्स, कितने चिल्ड्रन, कितने सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, आपकी टोटल इनकम क्या है फैमिली की, कौन कौन कमाता है, वाइफ आपकी हाउसवाइफ है, वट एवर इट बी, कौन कौन पढ़ा लिखा है, कितना कितना पढ़ा लिखा है, इससे रिलेटेड डेटा को हर 10वें साल हमारी सरकार कलेक्ट करवाती है, जिसको क्या बोला जाता है बेटे? सेंसस ऑफ इंडिया। अब इसमें ना सरकार को बेटे बहुत इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के रिगार्डिंग, ताकि वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, ये सब आपको बता सके, ठीक है। तो गहरी जांच चाहिए ना, तभी सेंसस ऑफ इंडिया में कौन सा मैथड यूज़ होता है बेटे? सेंसस मैथड यूज़ होता है। क्लियर हुआ? क्योंकि सरकार को गहरी जांच चाहिए, तभी बेटे ये हर साल कंडक्ट करवा ही नहीं सकते, हर 10वें साल पर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। ओके क्लास, आगे ये हुई हमारी सूटेबिलिटी। बट बच्चे, हर मैथड के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मैरिट्स भी होती हैं और डीमेरिट्स भी होती है, कोई भी एक सिंगल मैथड अपने आप में परफेक्ट नहीं है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मैथड। यस क्लास, नाउ अभी हमने मीनिंग ऑफ सेंसस मैथड एंड इट्स सूटेबिलिटी करा बेटे, अब हम पढ़ेंगे वट आर द मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मैथड, ठीक है। अगर हमें मीनिंग प्रॉपरली आता है, सूटेबिलिटी प्रॉपरली आती है बेटे, उनके डेरिवेशन पॉइंट्स ही हैं, ये डेरिवेटिव पॉइंट्स ही हैं एज इन द फॉर्म ऑफ मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, अगर मैं मैरिट्स की बात करूँ बच्चे, एक एक आइटम को स्टडी करा रिलायबिलिटी है, विश्वास के लायक है डेटा, दूसरा एक्यूरेसी है, क्योंकि हमने कुछ भी अपने तरीके से एस्टिमेट नहीं करा, मतलब लाइक फोकास्ट नहीं करा, ठीक है, हमें हर डेटा मिला उसके बेसिस पर हमने कॉन्क्लूड करा अपना स्टडी को। ओके, सो ये रिलायबल है, ये एक्यूरेट है, ये लेस बायस्ड है। लेस बायस्ड हाउ कम बेटे? यहाँ पर मैं हर आइटम को पॉपुलेशन की स्टडी कर रही हूँ, इसका मतलब मैं अपनी मैं कौन, इन्वेस्टिगेटर, अपनी जजमेंट नहीं दे रहा, उसको जो डेटा मिल रहा है वो बस राइट डाउन कर रहा है और उसके बेसिस पर वो एनालाइज करेगा, वो अपनी जजमेंट से डेटा नहीं लिख रहा। क्लियर हुआ? सो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस कम होती है। ओके, नेक्स्ट एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिल जाती है अंडर सेंसस मेथड। जैसे इंडियन गवर्नमेंट आपकी सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, पॉपुलेशन के साइज के साथ साथ आपको सेक्स कंपोजिशन, ठीक है, लिटरेसी रेट, ठीक है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, काफ़ी कुछ एक्सटेंसिव गहराई से इंफॉर्मेशन की जांच होती है और उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम, अब सेंसस मेथड में जब बहुत ही डिफरेंट नेचर के आइटम्स है पॉपुलेशन में या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम्स है मेरी पॉपुलेशन में, तो एक एक को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? एक्यूरेसी तभी आएगी, अगर नहीं करोगे, अपनी जजमेंट दोगे तो एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उस केस में बेटे मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किस मेथड ने करी? सेंसस मेथड ने करी, जहाँ पर मेरी पॉपुलेशन की आइटम्स डाइवर्स हैं उनको स्टडी करने में हेल्प कौन करता है? सेंसस मेथड करता है। नेक्स्ट होता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। एक बात बताओ, ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसको बस इनडायरेक्ट वे में मैंने सिक्स पॉइंट के रूप में लिखा है, बुक्स में भी ऐसे ही लिखा गया है। आप खुद ही सोचिए, जब पॉपुलेशन की आइटम्स डाइवर्स हैं, डिफरेंट है, तो इसका मतलब स्टडी आपकी क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या स्टडी को करने के लिए मुझे सेंसस मेथड ही सूटेबल होगा और हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन।
अब आप एक एक आइटम को स्टडी कर रहे हो अंडर सेंसस मेथड, आपको कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी साइड बाय साइड कलेक्ट हो जाएगी, मे बी जो आपको नेक्स्ट स्टडी में हेल्प हो जाए। ठीक है, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी जैसी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमें पॉपुलेशन साइज के साथ मिल जाती है। तो हमें किससे मिली बेटे, किस मैथड से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेंसस मैथड। ओके, अब आती हूँ इसके डीमेरिट्स पे। आप खुद बताइए बच्चे, एक एक आइटम को स्टडी करना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसका मतलब कॉस्टली है, और एक एक आदमी के पास एक आदमी तो जाएगा नहीं, बहुत सारे मुझे मैन पावर चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे बिहाफ पर एक एरिया वाइज जाएंगे और डेटा को कलेक्ट करेंगे। इट मींस मुझे लार्ज मैन पावर की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कंडक्ट सेंसस मैथड। दूसरा, आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन साइज बड़ा है, इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा है, तो बेटे बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर इट इज़ नॉट कप ऑफ माय टी टू कंडक्ट सेंसस मेथड इन द एरिया वेयर द पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज। ओके, बट अब बच्चे कहेंगे मैम क्यों सेंसस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, बेटे वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप खुद देखो क्या हर साल कंडक्ट कर रही है, हर दसवें साल कंडक्ट कर रही है, वो तो एक गवर्नमेंट को रिलायबल डेटा लेने के लिए करना ही पड़ता है। लेकिन बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर कोई एक जनरल पब्लिक का इंसान कर सकता है? नॉट एट ऑल। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, तो मैंने आपको पहले बोलता कुछ एक्सेप्शन होती हैं। ठीक है, तो बट जनरली अगर मैं डीमेरिट जनरली बेसिस पर देखूँ तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशंस। ओके क्लास, सो ये हुआ हमारा आज सेंसस मेथड। ठीक है, आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा एक एक मेथड ज़रूर पढ़ाऊँगी। ओके क्लास, सो प्लीज़ सेंसस मेथड को बहुत अच्छे से करिएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।